वेल गाइस, जब वीडियो स्टार्ट कर ही रहा हूं तो सबसे पहले यहां पे अप्लाई प्रूफ देख लो दोस्तों कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा मुझे यहां पे 35,000 का मुझे यहां पे लोन ऑफर कर रहा है, जो अभी आप अप्लाई प्रूफ देख सकते हो। और दोस्तों सबसे मजेदार की बात मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि यहां पे जो मुझे 35,000 का जो यहां पे लोन ऑफर कर रहा है ओनली फॉर पैन का आधार कार्ड से, यानी कि दोस्तों मैंने पैन का आधार कार्ड की डिटेल्स दी और अपना KYC कंप्लीट किया और मुझे यहां पे बता दिया गया कि मैं 35,000 का मैं लोन लेके एलिजिबल हूं। तो दोस्तों अगर आपका भी एज मात्र 18 साल प्लस है और आपके पास अगर पैन का आधार कार्ड है ओनली फॉर KYC करके लोन लेना चाहते हो दोस्तों, तो यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको लोन एप्लीकेशन के अंदर आपको ओनली फॉर KYC करके ही लोन मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना और आपको जो नंबर यहां पे दिया जाएगा उसको विद इन 2 मिनट्स के अंदर में ही अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, सभी कुछ हम आज के इस वीडियो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप करते हो और एक भी टिक आपसे मिस्टेक हो जाएगा तो आपको लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप चाहो तो मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। और वैसे मैं दोस्तों मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे दिए हुए लिंक से जैसे आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन करोगे फिर आपके सामने इंस्टाग्राम इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आता है इंटर योर मोबाइल नंबर, तो आप इस बॉक्स में मोबाइल नंबर 10G इंटर कर देना। फिर दोस्तों आपकी चेक बॉक्स से क्लिक करके नीचे रिक्वेस्ट OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे अपना 10G का फोन नंबर इंटर करके चेक बॉक्स से क्लिक करके रिक्वेस्ट OTP वाला ऑप्शन क्लिक करोगे उसका दोस्तों आप जो भी मोबाइल नंबर इस लोन एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराओगे उस फोन नंबर 6 अंक का एक OTP आएगा और आपको OTP वहाँ से ऑटोमेटिक ले लेगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपना मोबाइल से क्लिक कर लेना है। जैसे इस वाले ऑप्शन क्लिक कर लो फिर दोस्तों यहां से वो पिन इंटर कर देना। जैसे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो मैं यहां से एक और पिन इंटर कर दिया। दोस्तों आप जो भी पिन वहां पे इंटर करोगे फिर से वो पिन यहां पे इंटर कर देना। तो फिर आपके सामने इंस्टाग्राम इंटरफेस देखने को आ गया। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यहां पे आपको बता दिया जाएगा आप ऐसे मैक्सिमम 3 लाख तक आप लोन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों लोन लेने के लिए यहां पर आप देख सकते हो यहां पर ओनली फॉर 3 GST में आप लोन ले सकते हो। सबसे पहले आप पैन का आधार कार्ड की डिटेल्स देना पड़ेगा, उसका दोस्तों आप कौन से बैंक अकाउंट लोन अमाउंट लेना चाहते हो उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स देना पड़ेगा, उसका दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो एक सेल्फी प्रोवाइड कराओगे और योर लोन आपके बैंक में आ जाएगा। दोस्तों अब यहां से आपको लोन ऑफर देखने के लिए आपको कितना यहां पे लोन ऑफर किया जा रहा है तो नीचे वो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अनलॉक योर लोन लिमिट, तो यहां से वो अनलॉक योर लिमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद तो फिर आपके सामने इंस्टाग्राम इंटरफेस देखने को आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट योर मतलब आधार KYC, तो आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कंप्लीट योर आधार KYC, तो आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों आपके सामने इंस्टाग्राम इंटरफेस देखने को आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो KYC यहाँ से वो डिजी लॉकर के सहारे करना है, तो उसके लिए वो करना क्या पड़ेगा नीचे वो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड टू डिजी लॉकर, तो यहाँ से प्रोसीड टू डिजी लॉकर वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे वाले प्रोसीड टू डीजी लॉकर वाले ऑप्शन क्लिक कर लो फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख यहाँ पर आता है इंटर योर आधार नंबर, तो आप इस बॉक्स में आधार का 12G नंबर इंटर करके नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे अपने आधार का 12G नंबर इंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक करोगे उसका दोस्तों आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस फोन नंबर पर 6 लेटर का एक OTP आया, तो OTP इंटर करके वहां से अपने आधार कार्ड वेरीफाई कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसी प्रकार से आधार कार्ड वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे वहां से अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इंस्टाग्राम इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो यहाँ पर डीजी लॉकर छेड़ किया वो पिन इंटर करना, कोई सा एक पिन यहां पे इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों नीचे डन का यहां पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से वो सीधा डन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद तो फिर आपके सामने इंस्टाग्राम इंटरफेस देखने को आ गया। तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पर बैंक डिटेल्स, तो आपको अपना बैंक डिटेल्स यहां पे देना है कि आप कौन से बैंक और योर लोन अमाउंट लेना चाहते हो। सबसे पहले उसे अकाउंट का नंबर इंटर कर लीजिएगा, फिर दोस्तों कंफर्म अकाउंट नंबर इंटर करके नीचे IFSC कोड इंटर करके नीचे वो कंटिन्यू का यहां पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से वो सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों आपके सामने इंस्टाग्राम इंटरफेस देखने को आ गया। तो यहां पे आप देख सकते हो यहां से वो एड्रेस यहां पे इंटर करना है, सबसे पहले अपना हाउस फ्लैट नंबर यहां पे इंटर कर लीजिएगा। अगर आपके हाउस का कोई फ्लैट वगैरह आपका नंबर नहीं है दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस अपना ऊपर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों एड्रेस लाइन 1 में आपको वही इंटर करना है, फिर एड्रेस लाइन 2 यहां पे इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों अपने एरिया का जो भी आपका पिन कोड होगा वो पिन को इंटर कर देना। फिर दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कि आपने जो भी एड्रेस डिटेल यहां पे दिए हो क्या वो आपका परमानेंट एड्रेस है, यस वाले ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है तो नो वाले ऑप्शन क्लिक करके नीचे नेक्स्ट का यहां पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां से वो सीधा नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इंस्टाग्राम इंटरफेस देखने को आ जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आता पर्सनल ईमेल आईडी, तो आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर देना। फिर दोस्तों यहाँ पर मंथली इनकम देखने को मिल जाएगा, तो आप महीना कितना कमा लेते हो वो मंथली इनकम यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आप कौन से कंपनी में जॉब करते हो वो इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आपको जो सैलरी आता है किस डेट में आता है वो इंटर कर देना है। फिर दोस्तों सेलेक्ट ऑक्यूपेशन यहाँ पे टाइप इंटर कर देना है, यानी दोस्तों आप किस टाइप का जॉब करते हो वो इंटर कर देना है। फिर दोस्तों आप जनरल में मेल हो या फीमेल हो वो इंटर करके नीचे नेक्स्ट का फिर से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसा आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लो, फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, तो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर में सबसे पहले वो आपको रिलेशन में लगते क्या है वो इंटर कर लीजिएगा। फिर उनका नाम इंटर करके उनका मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों नीचे ही आपको सेम करना है, लेकिन दोस्तों ऊपर आपको मदर या फादर या सिस्टर ब्रदर किसी का भी दे सकते हो, लेकिन नीचे यहाँ पर आता है फ्रेंड का देने के लिए। तो फ्रेंड आपका मतलब कौन सा फ्रेंड है उनका नाम इंटर करके उनका कॉन्टेक्ट नंबर इंटर करके नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसा आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों अपना सेटअप ऑटो पे आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। सेटअप ऑटो पे आप क्या चीज कंप्लीट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो या डेबिट कार्ड से करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों आपके पास नेट बैंकिंग और नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड वाला डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आपके सामने इस टाइप इंटरफेस देखने को आ गया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कार्ड नंबर, तो आपको कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया, तो मैं अपना कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। फिर एक्सपायरिंग डेट यहाँ पे इंटर कर देना। फिर दोस्तों सीवीवी नंबर यहाँ पे इंटर करके नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे वहां जब कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लो, फिर दोस्तों बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर 6 अंक का एक ओटीपी आया, तो ओटीपी इंटर करके नीचे वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से सीधा वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे वहां वेरीफाई वाले ऑप्शन क्लिक कर लो, फिर दोस्तों वहां पे कुछ सेकंड वेट कर लेना। जैसे जब कुछ सेकंड वेट कर लो, फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे कॉन्वर्सेशन ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरे लिए यहाँ से एक लोन यहाँ से अनलॉक हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे 35,000 का मुझे यहाँ पे लिमिट अनलॉकेड यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों मैं यहाँ से 35,000 का मैं यहाँ से लोन लेके एलिजिबल हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो लोन हमारे दोस्तों यह मुझे मैक्सिमम 1 साल के लिए मुझे यहाँ पे लोन दिया जाएगा, और मेरा पर मंथ ईएमआई यहाँ पर आप देख सकते हो 3,622 रुपया हो जाएगा। दोस्तों आपको जितना भी लोन अफोर्ड करेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस लोन नंबर को बैंक अकाउंट में लेना है तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट फंड नाउ का, तो यहाँ से गेट फंड नाउ वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसा गेट फंड नाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों अगर ऊपर लोन अमाउंट ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, उसका दोस्तों आप देख सकते हो यह जो लोन अमाउंट दोस्तों यह मुझे मिनिमम 1 मंथ के लिए मिलेगा और मैक्सिमम मुझे 12 मंथ के लिए मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले लोन अमाउंट इंटर कर लीजिए, वो कितना लोन आपको नीड है, उसका दोस्तों आप कितना मंथ के लिए लोन अमाउंट को लेना चाहते हो वो इंटर कर लेना है। अगर आपको इस लोन अमाउंट को लेना है तो नीचे कंटिन्यू का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से सीधा कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों लास्ट स्टेप आ जाएगा लोन एग्रीमेंट, तो यहाँ से वो लोन एग्रीमेंट साइन कर लेना है। जैसे लोन एग्रीमेंट साइन कर लोगे दोस्तों 10 से 12 मिनट के अंदर में आपके बैंक वाले पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों आप जगह सेम इसी प्रकार से लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मुझे यहाँ पे लोन की कोई भी नीड नहीं थी, तो मैं ऐसे लोन नहीं लूंगा। अगर आपको लोन की काफी ज्यादा जरूरत है तो आप सेम जाकर इसी प्रकार से लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब ये बता देता हूँ कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस लोन एप्लीकेशन का नाम है स्टार्ट फिन पर्सनल लोन ऐप का, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप जैसे प्ले स्टोर पर जाओगे और स्टार्ट फिन ही सर्च करोगे यह लोन एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जाकर इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा आसानी से सेम इसी प्रकार से लोन एप्लीकेशन का जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। वेल का अगर मान लेते हैं किसी भी कारण वर्ष अगर स्टार्ट फिन पर्सनल लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं मिलता है, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, या अगर आपका लोन ऑफर नहीं किया जाता है, तो आप इस कंडीशन में करना क्या पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपके जमात 18 साल प्लस है और आपके पास अगर पैन का आधार कार्ड, आप ओनली फॉर KYC करके लोन लेना चाहते हो, और लोन अमाउंट की बात कर लो तो मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम 1,00,000 का, तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक 15 लोन एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिलेगा। तो आप जाकर उन 15 लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर अप्लाई कर सकते हो। उन 15 लोन एप्लीकेशन का कोई भी इनका वो कोई भी सैलरी वगैरह आपको अपलोड नहीं करना है, बस आपका एज 18 साल प्लस होना चाहिए और आपके पास पैन का आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप उन 15 लोन एप्लीकेशन का आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हो। उन 15 लोन एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और इस लोन एप्लीकेशन का भी लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस गाइस आज के इस में इतना गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।